हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर देखिए, चना का दाल है और इस चना के दाल को 2 घंटा पहले हम भिगो के रख दिए थे। तो यहाँ पर देखिए, कुकर में डाल दिए हैं। इसमें नमक पानी डाल के इसे 2 से 3 सीटी पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और पानी इतना डालिएगा कि ज़्यादा पानी ना हो, हल्का फुल्का बचे पर ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से पानी डालना है। तो यहाँ पर देखिए, दाल उबल गया है। अब इसे छलनी वाला में डाल दिए हैं ताकि जो भी 2-4 बूंद पानी हो वो निकल जाए। तो यहाँ पर हरा मिर्च, हरा धनिया पत्ता, और यहाँ पर प्याज, कच्चा प्याज। आप चाहे तो भूंजा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, पर कच्चा प्याज ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर छोटा छोटा टुकड़ा में कच्चा प्याज, लहसुन और अदरक, नमक स्वाद अनुसार डाल के ये सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पर देखिए, अदरक को डाल दिए हैं, कुछ के कटिंग कर लिए और जमाइन मंगरेला, ये सब सारे चीज़ को डाल के अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, नमक भी डाल दिए हैं स्वाद अनुसार, और पहले से भी नमक डाले हैं तो इसके जैसा डालना है कि मतलब ज़्यादा तेज ना हो, क्योंकि पहले से भी नमक डाला हुआ है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस सबको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। तो अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक पतीला लिए हैं, उसमें गर्म पानी रख दिए हैं होने के लिए। तो यहाँ पर पानी को खौला लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पानी खौल गया है, और इसमें चावल का आटा डाल के इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। डाल दिए हैं, अब इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। चावल को आटा डालने के बाद इसे चलाते ही रहना है, छोड़िएगा तो अंदर चिपक जाएगा, इसलिए इसको चलाते ही रहना है। और इसको अच्छा से एक डो तैयार कर लेना है। इसे निकाल देना है और थोड़ा देर तक छोड़ देना है ताकि जो बहुत ज़्यादा गर्म है वो नॉर्मल ठंडा हो जाए, मतलब नॉर्मल हो जाए उतना रखना है। और हाथ में हल्का तेल लगाते हुए इसे गूथना है आटा की तरह। हाथ में हल्का फुल्का पानी या तेल, दोनों में से कोई भी चीज़ डाल के इसको अच्छी तरह से गूथ लेना है आटा की तरह। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से मैश मैश के इसको चिकना बना लेना है। वैसे चावल का आटा चिकना ही होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से कर लेना है, हाथ जले नहीं, इसका भी ख्याल रखना है। तो नॉर्मल जब हो जाए तबे करना है इसको, नहीं तो हाथ में चिपकता है और फिर हाथ जलने का डर बना रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका डो तैयार करके रख लिए हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जालीदार बर्तन ले लिए हैं और इसे चारों तरफ से ग्रीस कर लिए हैं। और ये जो चना दाल का हम जो तैयार किए थे, यहाँ पर देखिए, आटा को हाथ में ले लेना है, हाथ में तेल भी लगा लेना है, और इस तरीके से गोल गोल करके जो दाल वाला हम बनाए हैं उसको अच्छी तरह से इसमें भर देना है, और फटे नहीं इसका भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पर देखिए, गोल गोल शेप में कर दिए हैं, आप चाहे तो लंबा शेप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से डाल के इसे पैक कर देना है, और पैक करके इस जाली वाला जो बर्तन है ना निकाले हैं उसमें सबको रख देना है। आप एक साथ बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें बना सकते हैं। वैसे सभी लोग इडली वाला बनाते हैं, लेकिन इडली वाला में क्या होता है कि जितना सेप है उतना ही आता है, लेकिन इसमें ऐसा बर्तन में बहुत ज़्यादा आ जाता है। देखिए, पूरा इसको हम भर देंगे और एक ही बार में ये बन के तैयार हो जाएगा, जिससे क्या होगा, समय और गैस दोनों बचेगा, यानी कि समय भी बचा और पैसा भी बचा। तो इस तरीके से आप एक नए तरीके से बना सकते हैं। यहाँ देखिए, पानी उबल रहा था, इसके ऊपर हम रख दिए और सारा एक बार में तैयार हो गया है। अब इसे 10 मिनट के बाद, 10 मिनट भी नहीं लगता, 5 मिनट में पक जाता है, इसके उबाल होने तक इसमें रख देना है। और 5 मिनट के बाद इसको उतार के रख लेना है और ठंडा होने का इंतज़ार करना है। तब तक यहाँ कढ़ाई लिए, कढ़ाई में डाल दिए तेल, तेल में डाले हैं सरसों,
और लाल मिर्च, जो सूखा हुआ लाल मिर्च रहता है ना उसको डाल दिए हैं। और ये यहाँ पर देखिए जल गया है, तो इसमें डाल रहे हैं छोटा छोटा पीस करके प्याज। और इसको पका लेना है, ब्राउन होने तक पकाना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से प्याज को पका लेना है। और इसमें एक कटोरी लिए हैं, उसमें हल्का सा हल्दी, हल्का सा लाल मिर्च, गोलकी पाउडर और हरा मिर्च ये डाल के इसमें थोड़ा सा मसाला ग्रेवी बना देते हैं, ताकि और भी टेस्ट इसका अच्छा आ जाए। इसलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मसाला डाल दिए हैं और इसको भून लेंगे। अब भूनने के बाद जो हम पिट्ठा बनाए हैं उसको 2 पीस में कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 पीस कर दिए हैं। आप चाहे तो बिना भूंजे भी खा सकते हैं, पर यहाँ पर फ्राई करके बनाइएगा, खाइएगा तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसी तरह से मेरे चैनल पर नए नए रेसिपी आते रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। इसे आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं और 1 दिन बनाइए, 2 से 3 दिन तक खाइए, क्योंकि ठंड के मौसम है। तो अभी एक बार बनाइए, आराम से 2 दिन तक खा सकते हैं इसको। तो ज़रूर एक बार बनाइएगा दाल का पिट्ठा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर नए नए रेसिपी आते रहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर भी आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से कितना खूबसूरत लग रहा है इसका कलर, और ये बन के रेडी हो गया है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए और खाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।